नगर निगम ने 15 जर्जर भवन मालिकों को भेजे नोटिस। बारिश से पूर्व जर्जर भवनों की मरम्मत कराने या खाली करने के दिए निर्देश। अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने मानसून से पहले उन भवन मालिकों से अपील की है जिनके भवनों की हालत काफ़ी जर्जर है कि वे या तो उन्हें रिपेयर करा लें अन्यथा बरसात से पहले किसी दूसरे स्थान पर शरण ले लें जिससे कि बारिश के दौरान जनधन की हानि होने से बचा जा सके। मेयर ब्रजलता ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा 15 भवन मालिकों को चिन्हित कर नोटिस भेजे गए हैं। बावजूद इसके कोई भवन निगम अधिकारियों की नज़र में ना आया हो तो स्वयं भी अपने स्तर पर संज्ञान लेते हुए सुरक्षित स्थान तलाश लें। मानसून के दौरान नगर निगम के अग्निशमन विभाग को भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने बताया कि मानसून से पहले शहर के समस्त नालों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है ताकि जल भराव की परेशानियों से निजात मिल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नमस्कार, मैं ब्रजलता हाड़ा, नगर निगम महापौर। सभी शहरवासियों से अपील करती हूँ कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जो शहर में जो जर्जर मकान हैं उनको निगम द्वारा नोटिस दे दिया गया है, तो उन मकानों को उनकी मरम्मत करवा लें और उनको मकान को सुधार करवा लें। और जो ज़्यादा जर्जर अवस्था में मकान है तो उनको मकान वाले खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ ताकि कोई हानि या दुर्घटना ना हो सके। तो आगामी वैसे तो निगम ने 15 जो मकान वो है मालिक उनको नोटिस दे दिए गए जिनके जर्जर मकान हो रखे हैं और तैयारी इसको देने की भी तैयारी की जा रही है। तो इन सभी को, सभी से आग्रह है कि आप अपने मकान को रिपेयर करवा के और वर्षा ऋतु के लिए आगे में कोई आपसे, आपके साथ कोई हादसा ना हो तो ये मकानों को रिपेयर करा लें और तैयारी सुरक्षित हो जाए। और वैसे तो निगम द्वारा फायर स्टेशन जो अपने फायर ब्रिगेड है वहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वर्षा ऋतु में अगर किसी को जरूरत पड़ती, कोई दुर्घटना होती है तो वो तुरंत मौके पर जाकर और उस व्यवस्था दुर्घटना को देखे और उसका निदान करें।